फैन फाइट पे अपनी टीम बनाओ और जीतो एक करोड़ तक हर दिन. ओ यस, गारंटीड कैश बैक अप टू 200 रुपीज ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट. जीतो 20x मोर ऑन एवरी कॉन्टेस्ट. विनिंग डन राइट ओनली ऑन फैन फाइट. दोस्तों, एशिया कप 2021 के लिए टीम इंडिया हुई घोषित. सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन सहित 7 युवा खिलाड़ियों को मिला मौका. स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एशिया कप 2021 कब खेला जाएगा, कहां पर खेला जाएगा. और दोस्तों, यहां पर टीम इंडिया की घोषणा हो चुकी है, जिसमें सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन सहित कौन से 7 युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, पूरी खबर विस्तार से आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे. लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, चाहते हो कि एशिया कप टीम इंडिया जीते, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें. दोस्तों, आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें. तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं. दोस्तों, एशिया कप 2021 में जून के महीने में खेला जाने वाला है. इससे पहले 2020 में कोविड-19 की वजह से एशिया कप को स्थगित किया गया था. जून के महीने में ही भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलने वाली है. और दोस्तों, इसी महीने के आखिरी सप्ताह में एशिया कप भी शुरू होने वाला है. ऐसे में एशिया कप 2021 पर भी स्थगित करने की बात निकलकर सामने आ रही थी. लेकिन दोस्तों, बीसीसीआई ने इसके बीच का रास्ता खोज लिया और बताया कि एक टीम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलेगी, तो वहीं पर इसी समय पर दूसरी टीम एशिया कप खेलेगी. दोस्तों, एशिया कप में भारतीय टीम के कप्तान विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल संभालते हुए दिख सकते हैं, तो वहीं दोस्तों उप कप्तान के रूप में यहां पर शिखर धवन टीम में मौजूद होंगे. दोस्तों, एशिया कप 2021 जून के महीने के अंतिम सप्ताह में खेला जाने वाला है. यह पूरा टूर्नामेंट श्रीलंका में होने वाला है, जिसमें भारत और पाकिस्तान, श्रीलंका समेत कई सारे अन्य टीमें हिस्सा लेंगी. दोस्तों, केएल राहुल पहली बार भारत की तरफ से कप्तानी करने वाले हैं. अब तक आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब की कप्तानी केएल राहुल ही करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उनकी कप्तानी देखने को मिलती है. हालांकि केएल राहुल ने किंग्स 11 पंजाब को एक बार भी खिताब नहीं जिताया है. हालांकि दोस्तों, इससे पहले भी भारतीय टीम विराट कोहली के बिना निदहास ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो चुकी थी. दोस्तों, निदहास ट्रॉफी 2018 में खेली गई थी और तब भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा ने संभाली थी. अब देखना होगा कि क्या भारतीय टीम विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना एशिया कप जीत पाती है या फिर नहीं. दोस्तों, आपके हिसाब से केएल राहुल को कप्तान बनाना चाहिए क्या, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें. दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं एशिया कप में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और कौन कौन से बड़े बदलाव के साथ टीम इंडिया एशिया कप में मैदान पर उतरने वाली है. दोस्तों, सबसे पहले नंबर एक पर भारतीय टीम में सलामी बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल मौजूद होंगे, जो कि बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी की भी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं. दोस्तों, केएल राहुल पहली बार भारतीय टीम की तरफ से कप्तानी करने वाले हैं. केएल राहुल ने भारत की तरफ से 2020 में T20 और वनडे फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाए थे. और दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को बता दें कि उन्होंने आईपीएल 2020 में भी केएल राहुल ने सबसे अधिक रन बनाए थे. अब एशिया कप में भी केएल राहुल का धमाल हमें देखने को मिल सकता है. वहीं दोस्तों, केएल राहुल के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में नंबर दो पर शिखर धवन मौजूद होंगे. दोस्तों, शिखर धवन उपकप्तान की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं. लंबे समय से T20 और वनडे में भारत की तरफ से लगातार शिखर धवन सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं और दोस्तों, अब एशिया कप में भी इनका धमाल हमें देखने को मिल सकता है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई T20 और वनडे सीरीज में शिखर धवन ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था. अब दोस्तों, एशिया कप में भी शिखर धवन और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी धमाल मचाते हुए नजर आ सकती है. वहीं दोस्तों, नंबर तीन पर भारतीय टीम में विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आ सकते हैं. सूर्य कुमार यादव ने इस स्थान पर खेलते हुए मुंबई इंडियंस की तरफ से बेहद शानदार बल्लेबाजी की है. सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल 2020 में 480 रन बनाए थे. वहीं इससे पहले भी घरेलू मैचों में सूर्य कुमार यादव ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखा चुके हैं. ऐसे में इनका सिलेक्शन T20 सीरीज में हुआ है. दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सूर्य कुमार यादव अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं तो इन्हें एशिया कप के लिए भी चुना जा सकता है. वहीं दोस्तों, इसके बाद नंबर चार पर भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर मौजूद होंगे. जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम में लंबे समय से T20 और वनडे फॉर्मेट में नंबर चार का बल्लेबाज ढूंढ रही है. अंबाती रायडू और दिनेश कार्तिक जैसे बल्लेबाजों को ना खिलाकर भारतीय टीम ने श्रेयस अय्यर को इस स्थान पर खेलने का मौका दिया. और दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने लगातार नंबर चार पर बल्लेबाजी करते हुए अपने आप को बेहतरीन साबित किया और दोस्तों, इसी की बदौलत अब वह नंबर चार पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं.
दोस्तों ऐसे में अब एशिया कप में श्रेयस अय्यर की भारत की तरफ से मध्यक्रम बल्लेबाजी संभालते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं दोस्तों नंबर 5 पर भारतीय टीम में युवा बल्लेबाज ईशान किशन मौजूद होंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ईशान किशन ने पिछले कुछ समय में ही काफी ज्यादा काम और नाम कमाया है। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में इन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया है। ऐसे में अब एशिया कप में भी इनका सिलेक्शन होना लगभग तय नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों नंबर 6 पर भारतीय टीम में विकेट कीपर दिनेश कार्तिक की वापसी होते हुए दिख सकती है। जी हां दोस्तों, दिनेश कार्तिक भी भारत की तरफ से अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला 2019 में खेले थे। विश्व कप 2019 का सेमीफाइनल मुकाबला दिनेश कार्तिक का आखिरी मुकाबला था। उसके बाद से ही इन्हें भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है। लेकिन दोस्तों एशिया कप में अनुभवी खिलाड़ियों की भारतीय टीम को सख्त जरूरत। ऐसे में दोस्तों दिनेश कार्तिक को भारतीय टीम में मौका दिया जा सकता है। वहीं दोस्तों नंबर 7 पर भारतीय टीम में ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों वाशिंगटन सुंदर शानदार गेंदबाजी के साथ साथ बेहतरीन बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। दोस्तों बेहतरीन तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में वाशिंगटन सुंदर ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 96 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी और इससे पहले T20 मैचों में भारत की तरफ से खेलते हुए उन्होंने काफी ज्यादा धमाल मचाया था। अब एशिया कप में भी वाशिंगटन सुंदर का बेहतरीन प्रदर्शन हमें देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों नंबर 8 पर भारतीय टीम में राहुल तिवाटिया खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों राहुल तिवाटिया ने IPL 2020 में एक ओवर में 5 छक्के लगाने का कारनामा किया था। इसके अलावा घरेलू मैचों में राहुल तिवाटिया ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में इन्हें मौका दिया गया है। ऐसे में दोस्तों यहां पर बेहतरीन तरीके से राहुल तिवाटिया प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों नंबर 9 पर भारतीय टीम में युजवेंद्र चहल की जगह लगभग फिक्स है। जी हां दोस्तों, स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल भारतीय T20 और वनडे टीम के अहम स्पिनर गेंदबाज के रूप में खेलते हुए दिखते हैं। ऐसे में एशिया कप में जगह भी इनकी लगभग तय रहेगी। वहीं दोस्तों नंबर 10 पर भारतीय टीम में तेज गेंदबाज टी नटराजन मौजूद होंगे। दोस्तों टी नटराजन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 और टेस्ट फॉर्मेट में अपना डेब्यू किया है। दोस्तों तीनों ही फॉर्मेट में टी नटराजन ने बेहतरीन प्रदर्शन करके हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया था। ऐसे में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इन्हें T20 सीरीज में टी नटराजन ने सबसे अधिक विकेट हासिल किए थे। अब दोस्तों ऐसे में आप सभी को एक बार फिर से एशिया कप में टी नटराजन खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं दोस्तों नंबर 11 पर भारतीय टीम में खलील अहमद मौजूद होंगे। दोस्तों तेज गेंदबाज खलील अहमद पिछले कुछ समय से आप सभी को बता दी कि भारत की टीम में T20 और वनडे मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एशिया कप की प्लेइंग 11 में खलील अहमद को खेलने का मौका मिल सकता है। दोस्तों कुछ इस तरह से एशिया कप के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 हो सकती है। जहां पर दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस बार का एशिया कप टीम इंडिया जीत पाएगी, केएल राहुल को कप्तान बनाना चाहिए, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फैन फाइट पे अपनी टीम बनाओ और जीतो 1 करोड़ तक हर दिन। ओ यस, गारंटीड कैश बैक अप टू 200 रुपीज ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। जीतो 20x मोर ऑन एवरी कॉन्टेस्ट। विनिंग डन राइट, ओनली ऑन फैन फाइट।